हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? आज हम करेंगे शेविंग। शेविंग कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए पहले ही मिलता रहे। दोस्तों मेरे पास है फॉर्म, ठीक है। हम फॉर्म से शेविंग करेंगे, कैसे करते हैं आप चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ले लूंगा हाथ में, ठीक है, ज्यादा नहीं लगाना, इतना हल्का हल्का लगाने के बाद अच्छी तरह से। अच्छी तरह यानी कि इसको लगा देना, ठीक है, बीच में रचा देना है ताकि ये नरम हो जाए, ठीक है। अगर दाढ़ी वगैरह टाइट है, ठीक है, उसको क्या करना है, हमने किसी क्रीम के साथ इसको कर लेना नरम। नरम करने वाली क्रीम आपको कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है, वैसे तो सैलून में होती है, ठीक है, नरम करने वाली क्रीम। अच्छी तरह से इसको हमने ऐसे कर देना, ठीक है। उसके बाद हम छोड़ देंगे एक या दो मिनट के लिए, उसके बाद नरम हो जाएगी, उसके बाद करेंगे इसको शेविंग। अब हम डालेंगे ब्लेड, ब्लेड को ऐसे तोड़ लेना, ठीक है, को हमने ऐसे डालना, ठीक है, ऐसे डालकर। अब दोस्तों ये है मेरे पास उस तरह, ठीक है। हमने इसको कैसे पकड़ना है, ये चीज ऐसे पकड़ लेनी, ठीक है, जो पीछे वाले जो ये वाली उंगली होगी ना, हमने ये वाले जो पीछे वाली, ठीक है, फिंगर है जो जी वाली हमारी फिंगर है, उसको हमने ऐसे लॉक कर लेना पीछे, ठीक है। इसको अप डाउन ऐसे से करना है, ठीक है। उसके बाद करके दिखाता हूँ आपको मैं कैसे करता हूँ, ठीक है, शुरू से लेके आने तक जरूर देखना। ऐसे हमने पहले साफ कर लेना है, ठीक है, ज्यादा सीधा नहीं चलाना, सीधा चलाओगे तो वहां पर कट पड़ जाएगा, ठीक है। हमने ये कराना ऐसे टीपर में, हल्का सा टीपर में, ठीक है, ज्यादा ऐसे लगाओगे यार लग जाएगा ब्लेड, फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है, फिर नुकसान हो जाएगा। हमने करना है इसको ऐसे फोम को साफ करके, उसके बाद ऐसे टीपर में चलाना है, बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे चलाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे को लेके जाना। हमने जो ये वाला होगा ऐसे मास्क को खींचना है, बिल्कुल ऐसे मास्क को खींचना, ठीक है, ऐसे बड़े आराम से करना, तेजी नहीं करनी है, बड़े आराम से करना, ठीक है, ऐसे करके जो ये वाला पार्ट होगा इसको ऐसे उठा लेना, ठीक है। जहां पर होता है वहां पर कितने बुजुर्गों के मतलब नीचे ऐसे चले जाता है, ठीक है, वहां पर बहुत दिक्कत होती है, ऐसे कैसे करें, बहुत बंदे परेशान होते हैं ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगी, सारा मांस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हमने ऊपर करके ऐसे नीचे घी देना ताकि हमारे कोई, फिर उसके बाद जी वाला पार्ट हो गया। अब क्या करना, जी वाला पार्ट, जी वाला पार्ट भी हम कैसे करेंगे, ठीक है, छुरे को ब्लेड को ऐसे हमने पकड़ लेना, उस तरह को हमने ऐसे पकड़ लेना, देखो मैंने कैसे पकड़ा हुआ आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसे हमने पकड़ लेना है, ऐसे पकड़ के ऐसे इस मांस को ऐसे हमने पकड़ लेना, ऐसे भी पकड़ सकते हो और ऐसे ही पकड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ब्लेड को सीधा नहीं चलाना, मैं बार बार कह रहा हूँ ब्लेड को सीधा नहीं चलाना भाई, ऐसे टेपर में चलाना, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे मांस को खींचना, जितना मांस खींचोगे ना उतना ही आपका फायदा है, ठीक है, ये चीज ऐसे चलनी चाहिए आपकी, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे चल गया तो फिर काम हो गया खराब, ठीक है। मूछे बचा के, मूछों पे पैक क्या करना है, हमने मूछे बचाने के कारण क्या करना है, हमने फोम को ऐसे साफ कर लेना पहले, फिर हमारे मूछे दिखने लग जाएंगे, ठीक है। जो ये वीडियो है, ठीक है, वैसे तो मैंने पहले भी शेविंग पे वीडियो बनाई है, पर लेकिन ये सबसे अलग वीडियो है, क्योंकि इसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा हमने कैसे शेविंग करनी है, ठीक है। बॉसी वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है शेविंग करने के लिए, ठीक है, आंस क्या करेंगे यहां पर, जी हमारे को दिक्कत आ रही है, ठीक है, यहां पर हमने क्या करना है, इसको ऐसे करके ऐसे पकड़ लो मुछे को, ठीक है, जी वाली मुछे को छेड़ना नहीं हमने। उसके बाद इसको हमने ऐसे कर देना, मुछे को ऐसे हल्का साफ करके हमने ऐसे मुछे काट देने सीधी। उसके बाद क्या करना है, हमने जी वाला हमारा तो पार्ट हो गया, ठीक है, हमने इसको ऐसे करना है, ऊपर उठा लेना, ठीक है, ऊपर उठाने के बाद ब्लेड को ऐसे पकड़ना, ठीक है, देखो मैंने कैसे पकड़ा रहे, ऐसे पकड़ लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने यहां से बिल्कुल सीधा नहीं मारना भाई, ध्यान रखना, बहुत ही वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, ठीक है, ध्यान से देखना फिर आप कर पाओगे शेविंग को, ठीक है। हमने करना ऐसे इसको घींच देना, ठीक है,
अगर आपको वहां से फिर दिक्कत हो रही है हम कैसे करें यार कैसे ना करें, ठीक है, उसके बाद क्या करना हमने उसको ऐसे ऊपर मास्क ऊपर उठा लो, ऊपर उठा लो, इतना पार्ट आप काट लो, ठीक है। लो जी ये वाला पार्ट हमारा कटा गया ना, उसके बाद क्या करना हमारे को वहां से आसानी हो गया ना, ऐसे मास्क उठा लो और ये वाला नीचे खींच लो, हो गया ना ये हमारा क्लियर। फिर इसके बाद ऐसे मास्क को खींच लो, अगर बुजुर्गों को पता क्या होता है, बुजुर्गों के बहुत ज्यादा मतलब बीच में दिखती रहती है हड्डी वगैरह दिखती रहती है, ठीक है, हमारे को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है शेविंग करने के लिए, हमने इसको ऐसे करना ऐसे उठा लेना, ठीक है, मास्क को जितना खींचोगे क्योंकि उतना ही ऊपर आ जाएगा, हमने ऐसे खींचना नीचे को, यार बड़े ही आसानी से आप कर पाओगे। अगर आप वीडियो अच्छी तरह से देखो, पूरी वीडियो देखना तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, फिर बाद में बोलोगे यार भैया हमारे को शेविंग करने नहीं आए, हम दोबारा फिर वीडियो बनाओ, क्योंकि मैं आज मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमारा आ गया, ठीक है, दूसरी साइड आ गए हम, हमने एक चीज फिंगर मैंने चार फिंगर पे लगा लिया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एक अंगूठा मैंने यहाँ पर लगा लिया, तो बिल्कुल मैंने ऐसे सीधा नहीं लगाना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ऐसे हमने खींच लेना, ठीक है, ऐसे खींचने के बाद क्या करेंगे हम इसको ऐसे, हाँ भाई मैं मानता हूँ इस वाले पे ठीक है थोड़ी दिक्कत होती है ऐसे चलाने पे, हम कैसे चलाएं थोड़ी दिक्कत होती है मुझे पता है, ठीक है भैया ध्यान से करना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सीधा ही रखना, ऐसे टीपर में रखना, टीपर में रखना, धीरे धीरे करो कोई चक्कर नहीं, ठीक है, जितना मास है ऐसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मास ऊपर को उठा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जे वाला, जो जे वाला, ठीक है, उसको ऐसे मास को खींच लेना, ऐसे पकड़ना, बस देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, मैंने कहाँ लॉक किया है आप ध्यान से देखो, वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है, जो ए वाला पार्ट है, ठीक है, यहां पर थोड़ी दिक्कत होती है कान को बचाकर, ठीक है भाई ध्यान रखना कान को बचाकर, ठीक है, ऐसे हल्का हल्का नीचे घी देना। तो पहले क्या करेंगे हम इस वाले को नहीं पार्ट को छेड़ेंगे, इस वाले को करेंगे हम ऐसे क्लियर कर लेना, ये वाला होगा ऐसे मास्क को खींचना पीछे, ठीक है, ऐसे ऐसे करना, बस अच्छी तरह से हमने सफाई दे देनी, ठीक है, क्योंकि फोम वाली हम एक बार ही करते हैं, ठीक है, एक बार में ही हम साफ कर देते हैं। ये वाला है हमारा, ठीक है, यहाँ पर मुछे है, हम पर क्या करते हैं कभी कभी कई बंदे से ऊपर भी हो जाती है क्योंकि पता नहीं लगता, ठीक है, क्या करेंगे हम इसको भाई साफ कर लेना, ठीक है, साफ करके उसके बाद ये वाला साइड वाला ये साइड वाला हमने साफ कर लेना, ठीक है भाई। कई बंदे कह रहे हैं भाई, एक मुझे मैसेज आया भाई की कॉल भी आई है मुझे, ठीक है, जलंधर से भाई कह रहे हैं यहां से मुझे बहुत दिक्कत होती है भैया, यहां पर मेरे हाथ थोड़ा सा नहीं सेट बैठ रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमारे को अच्छी तरह से बताओ, ठीक है भाई, मैं उनकी चक्कर में आज वीडियो बना रहा हूँ, जलंधर से भाई हैं, ठीक है, उनका मुझे कॉल आया था, भैया ऐसे मतलब थोड़ा बना दो हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है हमने ऐसे नहीं खींचना है, हमारे को दिक्कत होगी, ठीक है, हमने क्या करना है ये वाला पार्ट, ठीक है, हमने ऐसे नीचे खींचना, मास्क को बिल्कुल ऊपर करना भाई, क्योंकि ये बुजुर्ग जो होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है शेविंग करने में, ठीक है, इसको हमने करना है ऊपर, फिर हम आसानी से शेविंग कर पाएंगे, ठीक है, ये तो हो गया। जो भाई जो वे पार्ट है बहुत ही आपके लिए खास होगा, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना भाई, अगर वीडियो में लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। जो जी वाला हमने कैसे करना, ठीक है, जी वाला ऐसे ही पकड़ लेना भाई आराम से, डरना नहीं, बस जितना मास खींचोगे ना साइड होके, बस साइड साइड वाला ऐसे खींचना, ऐसे खींचना, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना हमने जी वाला, मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखो मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा जी वाला। भाई हम ऐसे कैसे खींचेंगे पर लेकिन नहीं खींचा जाएगा, ठीक है, नीचे वहां पर खींचेंगे वहां पर लग जाएगा, कट लग जाएगा हमारे, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम ऐसे ले लेंगे ऊपर, ठीक है, फिर इसके बाद हम नीचे बाद में खींचेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ जे वाला हम कैसे करेंगे भाई, यहां से दिक्कत हो जाती थोड़ी, हल्का हल्का करना, अगर ज्यादा दाढ़ी टैट है देखो यहाँ पर हल्का हल्का पानी लगा लो ना, फिर हो जाएगी नरम, ठीक है, देखो ऐसे देखो ये ज्यादा टैट है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है जी वाला,
भाई नोक से ध्यान से चलाना, पर लेकिन मैं तो चला लेता हूँ, पर लेकिन आपका नहीं मुझे पता, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। जो जी वाला हमारा ठीक है, ऐसे इसको पकड़ लेना, ये होगा ऐसे, पर लेकिन ये चीज आपकी ऐसे से उठनी चाहिए, अप डाउन होने चाहिए, नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे दबाना, अगर मूछें काटनी होगी भैया ना, थोड़ा ध्यान रखना, मूछें अगर काटनी होगी तो ऐसे काटनी है हमने, ठीक है। इसको हल्का सा ऐसे ऊपर कर लेना, हमारी मूछें कट जाएगी, ठीक है। बाद में हम करेंगे मूछें सेटिंग, पहले इसको कर लेते हैं क्लीन। इसके बाद देखो मैंने ये ऐसे खींचा, ठीक है। कई बंदे क्या करते हैं नमे, ठीक है, यहां पर ऐसे ही चला देते हैं, यहां पर लग जाता कट, ठीक है। हमने क्या करना, ऊपर को ऐसे यार खींच लो, और मांस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, आपको आसानी हो जाएगा करने में, ठीक है। यहां पर क्या कैसे करें, यहां पर हमारे को दिक्कत हो रही है, ठीक है। हमने क्या करना, ऊपर किसको खींच लेना, खींच के ऐसे बस इतना क्लियर कर लेना, ठीक है। इतना क्लियर करने के बाद क्या करना, ऊपर इसको करवा लेना, बंदे को बोलना ऊपर करो भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करना, हमने इसको ऐसे नीचे नीचे खींच देना है, बस। शेविंग में कुछ भी नहीं है यार, अगर समझ आ गई ना बंदे को, बिल्कुल बंदा 100% कह रहा हूं मैं आपको, आप 15 दिन में आप शेविंग सीख जाओगे। मैं बताता हूं, एक आपको उस तरह पकड़ने की वो होने चाहिए, ठीक है, तरीका होना चाहिए। तो दूसरी बात, आपका पटन हाथ होना चाहिए, हाथ आपका अच्छी तरह से चलना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने आप कैसे पकड़ा हुआ, ठीक है, अप डाउन अच्छी तरह से होना चाहिए, देखो, ठीक है। हमने कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, इधर चलाना, उधर चलाना है, ऐसे करना है, जल्दी करना है। मैं तो भाई 2 या 3 मिनट में अंदर अंदर मैं इतनी स्पीड करता हूँ काम, ठीक है। मैं बिल्कुल अच्छी तरह से बंदे को रेडी करके मैं बंदे को भेज देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम मूछें सेट करेंगे। मूछें कैसे सेटिंग करनी है, हमारी शेविंग तो हो चुकी है, क्या करेंगे हम मूछें सेट करेंगे। मूछें कैसे सेट की जाती है आप देखते रहना दोस्तों। हम मूछों पे एक नंबर मशीन लगाएंगे, ठीक है, यानी कि एक नंबर मेरे पास है और मैं ट्रिमर लगा दूंगा, ठीक है। हमने क्या करना, अच्छी तरह से इसको ऐसे एक नंबर लगा देंगे, आप देख सकते हैं मैंने एक नंबर लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो होंठ के आगे आगे जो आ रहे हैं ना, ये देखो बाल जो आ रहे हैं, इसको हमने कैसे करना है, अगर मैं बताता हूं आपको कैंची को कैसे पकड़ना, ठीक है। कभी कभी हो जाता, कभी कभी लग भी जाती है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको हमने साफ कर लेना है। जी है मेरे पास कैंची, ठीक है, आप देख सकते हैं मैं ये वाली यूज करता हूँ कैंची, ठीक है, आप देख सकते हो। क्या हमने क्या करना है, हमने ऐसे नीचे लगाना भाई, उतना ही मुंह खोला जाता है जितने हम एक चीज पे, इतना ही हल्का सा मुंह खोला जाता है कैंची का, देख आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे खोलोगे तो यहां पर नोज पे भी लग सकती है, ठीक है, यहां पर कट भी जाता है। हमने क्या करना, हल्का सा ऐसे लगाकर आगे आगे वाले पार्ट काटने, बस जो आगे वाले है ना, जो आगे बाल दिख रहे हैं आपको, हमने हल्का हल्का मुंह कैंची के इतना सा मुंह खोलना है, जो हमारे को जो आगे के बाल है ना, हमने वही पास काटने, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। इस साइड में भी आप काट सकते हो और इस साइड में भी आप काट सकते हो, ठीक है। जो ऊपर खड़े खड़े होंगे उसको हमने ऐसे काट देना है। उसके बाद क्या करेंगे, हल्का हल्का ऊपर पानी लगा लेना, ठीक है, पानी लगाकर ऊपर से, हाँ भाई मैं आपको बताता हूँ मूछों को ऐसे सेट किया जाता है, देखो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बस मूछ सेट करने के लिए, यहां पर लग जाता है। हमने करना बिल्कुल ऐसे ऊपर से हल्का सा खींच लेना, ठीक है, मूछों को ऐसे सेट करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं दबाना, हल्का हल्का जी वाला ऐसे काट लेना हल्का सा, यहाँ पर साइड साइड में बाल होते हैं, और नोक से हमने ऐसे काट देना, जो जी वाला हमारा है, ठीक है, हमने ऐसे पकड़ लेना, देखो हल्का लगा, पर ध्यान से करना बस, क्योंकि यही मेन चीज होती है, मुझे मेन चीज होती है, जी हमारी मूछें भी दोनों साइड में सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब लगाएंगे हम साइड वाले, ठीक है, साइड वाले पानी निकालूंगा हल्का हल्का कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आपने वीडियो पे लाइक नहीं किया यार, प्लीज लाइक कर देना, लाइक तो बनता ही है प्लीज यार। अगर चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा,
ऐसे आपने क्या करना है, ऐसे हल्का हल्का राउंडिंग दे देनी है जेब वाली कंघी से। हमने क्या करना है, जेब वाली कंघी से ऐसे से हमने जो बाल दिख रहे होंगे बड़े बड़े उसको हमने ऐसे काट देना, ठीक है। बस इतना ऐसा करना है, बस और कोई काम नहीं है। उसके बाद क्या करना है, जेब वाला ऐसे पकड़ लेना, ऐसे पकड़ने के बाद ऐसे नीचे की देना, साइड साइड में ऐसे कर देना, ठीक है, जो अच्छी तरह से लाइन हमारी दिखने लग जाए, तो कलम हमारी हो जाए अच्छी, ठीक है, बढ़िया दिखने लग जाए। नीचे ऐसे खींच लेना, ठीक है, साइड साइड में ऐसे। लो जी हमारा खत बन चुका है, ठीक है। अब आ गए हम जीव वाले पार्ट। जीव वाला ध्यान से काटना भाई, जैसे मैं काट कर रहा हूं ना, वहां पर कान पे भी बच जाएगा, ठीक है, पर लेकिन हल्का हल्का खोलना, जैसे हमने मूछों पे वैसे मैंने बताया ना, आपने भी वैसे करना, ठीक है। ऐसे कान को लेकर कान को साइड में कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ब्लेड के साथ ऐसे, क्योंकि हाँ से दिक्कत हो रही है, ठीक है, वहां से क्या करना हमने, ऐसे नीचे की देना, इसको साइड साइड में ऐसे कर देंगे। आहा से देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं कर रहा हूँ गलत, पर लेकिन मैं कर लूंगा, पर लेकिन आप मत करना, ठीक है। पर मैंने क्या करूंगा, इस साइड में देखो, इस साइड में ऐसे से लगा दूंगा, ठीक है। लो जी हमारी शेविंग हो चुकी है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब ये हम करेंगे वॉश, वॉश कैसे करते हैं देखते रहना, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई। तो ये है मेरे पास पानी, हम करेंगे वॉश, ठीक है। वॉश कैसे करते हैं, हल्का पानी मालेंगे। हमारे पास है फटकड़ी, ठीक है, जो दाना नहीं निकलने देती है, जो उसको मतलब कटा होता है उसको ठीक करने की मदद करता है, ठीक है। वहां पर अच्छी तरह से हमने इसको लगा लेना, ठीक है। दोस्तों ये है मेरे पास वॉश करने वाली क्रीम, जो वहां पर हम वॉश करेंगे, ठीक है। हल्का सा ले लूंगा मैं, उसके बाद हल्का सा ऐसे मसाज कर देनी है हमने, ठीक है, ऐसे हमने मसाज कर देनी है, ठीक है। लो जी हमने मसाज कर दी, ठीक है, उसके बाद करेंगे हम वॉश। दोस्तों हमने फिर पानी मार दिया, ठीक है, हल्का हल्का। अब करेंगे इसको हम साफ करेंगे, तो साफ आपको पता ही है कैसे किया जाता है, ठीक है, ज्यादा दबाना नहीं है। लो जी ये वाला हो गया, मेरे पास है एक लोशन, ठीक है, जॉर्डन का लोशन है ये वाला, मेरे पास लोशन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, ठीक है, खोलकर हम मैं इसको लगाऊंगा हाथ पर, ठीक है। हाथ पर लगाने के बाद क्या करेंगे हम, लो जी हमने ऐसे लगा देना, थोड़ा सा लड़ता है, ठीक है, जैसे चींटी नहीं काटती है भाई, वैसे से काटता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि कई बंदे लगवाते नहीं, कई बंदे बहुत डरते हैं, ठीक है भाई, ये मत लगवाओ। बाबा कैसा लग रहा है, ठीक है, लड़ रहा है ना, लड़ रहा है। बाबा जी बोल दो, कितने लाइक कर देना, लाइक कर देना, हाँ वीडियो को लाइक कर देना, बोलो वीडियो को लाइक कर भाई, लाइक कर देना भाई, बुजुर्ग ने बोल दिया लाइक कर देना, ठीक है। आज तो कैसी लगी वीडियो, प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। जल्द ही ब्लॉग मेरा आने वाला है, ठीक है, आप जाकर जरूर वॉच करना यार प्लीज। अगर उस पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो उसके ऊपर भी मिलेगी आपको। ये हमने बाबा की शेविंग की है, बाबा कैसी लगी शेविंग, बढ़िया शेविंग है, अच्छी तरह से बताओ। बहुत ज्यादा यूपी से, बिहार से, पंजाब से लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो, बहुत बढ़िया है, तो ईसाई सेटिंग तो होना चाहिए। हाँ ठीक है भैया, आज मैंने इसलिए बाबा की शेविंग की है, ठीक है, आपको बताने के लिए यार, अगर इतना ही कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।